आपसे पूछूं, आज से 200 साल पहले भारत में साक्षरता दर क्या थी? 97% के आसपास। और ये किसका डाटा है? हमारा डाटा नहीं है। 1812 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, विलियम एडम्स की रिपोर्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी, थॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी, और विटनर की रिपोर्ट पंजाब की, उसमें लिखा भारत के हर गांव में एक स्कूल है। हर गांव में एक स्कूल है, और स्कूल ऐसे नहीं लिखे गए कि कोई एक, जैसे कहते हैं, एक सैंपल सर्वे कर लिया गया। हर कलेक्टर को यह कहा गया कि आप पर्सनली एक एक गांव के स्कूल के छात्रों की संख्या को कैलकुलेट करके रिपोर्ट देंगे। तो रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड है कि इस स्कूल में 13 छात्र हैं, उसमें 23 छात्र हैं, उसमें 32 छात्र हैं, इसमें 19 छात्र हैं। यहां तक कि मद्रास प्रेसिडेंसी में छात्रों का जातिवार ब्यौरा भी है कि किस जाति के कितने छात्र हैं, किस जाति के कितने शिक्षक हैं, विलियम एडम्स की रिपोर्ट में है। सब जातियों के हैं, जिनको आज आप लोअर कास्ट कहते हैं उन सब के शिक्षक हैं। ये बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिटेड डॉक्यूमेंट है 1812 में, जिसमें एक रिपोर्ट मैंने खुद देखी है, वो चेंगलपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 अप्रैल 1823 को चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास को भेजी हुई है, जिसमें उसने लिखा कि मेरे तालुके में 561 गांव में 561 स्कूल हैं। और उसमें भी एक और बात है, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट लिखी हुई है कि इंग्लैंड की आबादी उस समय लगभग 1 करोड़ थी, और 1,26,00,000 थी मद्रास प्रेसिडेंसी की आबादी, यानी जिसमें आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत आता है। और वो लिखता है कि उसके बावजूद सन 1800 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी में इंग्लैंड से 3 गुना स्कूल हैं। और वो कब हैं? जब हमारे यहां के गुरुकुलों को उन्होंने स्कूल में काउंट नहीं किया, इन्होंने कहा ये कुछ अलग टाइप के स्कूल हैं, जहां पर कि एक ही टीचर के साथ 10-12 बच्चे लगातार रहते हैं, तो रिलीजियस टीचिंग पढ़ते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। जहां मैथ साइंस व्यवहारिक चीजें पढ़ाई जा रही उसको हम स्कूल मानेंगे। और अपने यहां क्या किया, संडे चर्च प्रेयर के बाद जो 2 घंटे का स्कूल लगता था वंस इन ए वीक, उसको भी स्कूल माना, तब हमारे उनसे 3 गुने ज्यादा थे। और ये बात ऐसे नहीं, ये सब ब्रिटिश आर्काइव्स लंदन में लिखा हुआ है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये बात 1929 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो रॉयल सोसाइटी लंदन में महात्मा गांधी ने बोली है। और उसके बाद वहां सर फिलिप हॉटॉक थे, वो भिड़ गए इस बात पे। महात्मा गांधी ने लिखा कि 100 साल पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्री, जिसको कि अंग्रेजों ने कुरेत कुरेत कर नष्ट कर दिया। अब वो भिड़ गए, नहीं नहीं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। खूब डिस्कशन हुआ, उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। उसके बाद गांधी जी ने कहा मैं आपको इसका, उन्होंने कहा मुझे इसका वो चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, गांधी जी ने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। फिर जब वो यहां वर्धा जेल में थे, उनके बाद फिर लेटर आया, वो बीजे नहीं नहीं साहब हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं जेल में हूं, मिस्टर केटी शाह इसका जवाब देंगे। केटी शाह बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे। केटी शाह ने दोनों रिपोर्ट कोट करके दी। उसके बाद चौक तो गए फिलिप हॉटॉक, मगर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ये पूरी की पूरी विलियम एडम्स और थॉमस मुनरो की रिपोर्ट दोबारा प्रकाशित की। उसके बाद फिलिप हॉटॉक ने चिट्ठियां देना बंद कर दिया। और स्वतंत्रता के बाद, इसीलिए आपने नाम सुना होगा प्रख्यात लेखक धर्मपाल थे, उन्होंने 7-8 साल जाके लंदन में रिसर्च करके सारे डॉक्यूमेंट निकाले जो भारत में नहीं थे। और गांधी जी का ही जवाब देने के लिए गांधीवादी ने किताब लिखी द ब्यूटीफुल ट्री। और अफसोस कि नेहरू के जमाने में नेहरू का विरोध करने के लिए वो जेल चले गए। और उसके बाद यह भारत के पाठ्यक्रम में होना चाहिए था, मगर फिर जो लेफ्टिस्टों का षड्यंत्र आया लेट 60s और अर्ली 70s में, ये सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से गायब कर दी गई। और उसमें क्या षड्यंत्र था, आज वो सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। मित्रों किन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए, भारत के साथ क्या हो रहा था 60 के दशक के अंत या 70 के दशक में। एक रशियन केजीबी का एजेंट था यूरी बेजमेनेव, जो 70 के दशक में भारत में पत्रकार बनकर रहता था, उसने लिखा है कि कैसे भारतीय संस्कृति को तोड़ने का बाकायदा एजेंडा दिया गया था। और उसने कहा था वो एजेंडा देने के लिए हमें उसको स्टडी करना था, मैंने स्टडी की तो मैं उसका मुरीद हो गया, और ये मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि अगर ये बात लीक हो जाती तो मुझे तुरंत निपटा दिया जाता। और उसने ये लिखा है कि हमारा एक एजेंडा था, उसने वर्ड्स यूज किए हैं, फर्स्ट स्टेज 15 to 20 years, स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन,
पहले डिमोरलाइज करो सोसाइटी को, तुम्हारी हर चीज गलत, तुम्हारी संस्कृति गलत, तुम्हारा धर्म गलत, तुम्हारी व्यवस्था गलत, तुम्हारा विचार गलत। जब डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो सेकेंड स्टेज स्टेज ऑफ डिस्टेबिलाइजेशन। अब जगह जगह आंदोलन खड़े करो उन्हीं मुद्दों को लोके, जो थे ही नहीं उन मुद्दों को खड़ा कर दो आंदोलन में। और जब वो आंदोलन सक्सेसफुल होने लगे तो थर्ड स्टेज इज अ स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, अब उनको हिंसक आंदोलनों का रूप देना शुरू कर दो। एंड फोर्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, उसने कहा है। और फिर उसने कहा अब तो सारी बातें हैं कि भारत का इंटेलेक्चुअल संस्थान, भारत का मीडिया में कैसे लोग थे, जुडिशरी में कैसे था, सरकार में कैसा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी क्या क्या दखल थी। और इसीलिए मैंने बात पहले भी कई बार कही, 1970 के बाद से एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा वस्त्रधारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ। जैसे ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी, शायद आप लोगों ने उसमें कभी वीडियो देखा हो, विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया, बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना जिसका गाना था प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत निष्ठ भाषा बोलना कॉमेडी का पात्र है। और इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया। और ये मैं आपसे कैसे बताना चाहता हूं, इसको कभी आप गौर करिएगा, 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलेन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलेन है छेदी सिंह, वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। कभी आपने सोचा कि एजेंडा क्या था और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा जा रहा है और कैसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाता है और भाषा से अंतर क्या पड़ता है। जैसे आप सब ने यह बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है ना? और इसका जब अनुवाद करते हैं तो जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, पर किसी संस्कृत हिंदी या भारतीय भाषा में आपने सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में उचित नहीं है। युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक समर्पण है। अगर आप यह कह देंगे जो कहते थे एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वार, तो वहां आतंकवाद भी होने लगा, क्योंकि फिर वो भी जायज है। और जो कहते हैं कि लव में सब कुछ जायज है तो फिर ऐसे भी फेंका जाने लगा। इसलिए जब आप भाषा छोड़ते हैं तो आप वो संस्कृति छोड़ते हैं और वो आपके मानस पर कैसा प्रभाव डालती है आपको पता ही नहीं लगता। इसीलिए मैं कहता हूं फिल्मों में पहले उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था कोई नायक, अब जो है इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलने लगा। वो हमारे दिमागों पर क्या असर डालती है ये हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे विचार हो, भाषा हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, जब आप उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो आपके दिमाग पर क्या असर डाल रही है, तब आपको समझ में आता है कि वो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में कहां कितनी गहराई तक ले जा रही है। अब दूसरी बात ये देख लीजिए, किसी भी मतलब हर भाषा की वर्तनी में एक वैज्ञानिकता भी होती है। जैसे संस्कृत भाषा है, जैसे आप, मैं पहले भी ये बात कहा था कि आप अंग्रेजी बोलते हुए किसी व्यक्ति को सुनिए, आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद आप बता देंगे कि ये पंजाबी बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये तमिल बोल रहा है, क्योंकि भाषा के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। पर संस्कृत का श्लोक आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है कि वैष्णो देवी में बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी वर्तनी इतनी शुद्ध है। और लैंग्वेज ऐसी कि कर्नाटक के कवि हुए वेंकटाध्वरी, जिन्होंने एक
बहुत छोटा सा लघु काव्य लिखा जिसका नाम है राघव यादवीयम। लेफ्ट टू राइट पढ़िएगा तो राम की कथा है और राइट टू लेफ्ट पढ़िएगा तो कृष्ण की कथा है। और इसीलिए जो मैंने कहा ना कार्ल सेगन ने, फिर आ रहा हूं, जो वॉयजर में लिख के भेजा है जो भाषा, उसमें संस्कृत को भी क्यों प्रयोग किया है, जानते समस्या क्या है? बाकी लैंग्वेजेस की जो व्याकरण है वो शब्द आधारित है। राम गोज टू हाउस इज अ करेक्ट सेंटेंस, हाउस गोज टू राम इज अ रॉन्ग सेंटेंस, पर संस्कृत का व्याकरण शब्द आधारित है। रामा गच्छति गृहे, गृहे गच्छति रामा, गच्छति रामा गृहे एक है। इसलिए समस्या क्या है कि कोई परग्रही सभ्यता को आप तीन वर्ड्स का चित्र तो बना देंगे, पर यह कैसे गारंटी है कि वो इधर से इधर पढ़ेगी या इधर से इधर पढ़ेगी? आप एरो भी बना देंगे तो वो एरो को समझेगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए वह भाषा होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाए वो एक समान आए। और फिर मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह सारी बातें विदेश में सीखी जा रही और हमें भड़काया जा रहा है कि तुम अपने धर्म ग्रंथ मत पढ़ो, ये सब बैकवर्डनेस है, इसके अंदर से झूठ पाखंड भेदभाव के अलावा कुछ नहीं है। और विदेश में क्या हो रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाइए तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को बाकायदा एस्टेब्लिश किया गया, जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। और उसका सूत्रपात कहां से है? महाराष्ट्र की धरती से। सन 1794 में लंदन से एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है द जेंटलमैन। उसमें दो डॉक्टर हैं, थॉमस क्रूजो और जेम्स फिंडले। उन्होंने ये लिखा, एक पेपर पब्लिश किया कि सन 1793 में पुणे में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो टीपू सुल्तान की फौज में काम करता था उसकी नाक काट दी गई थी और उसके मस्तक की खाल निकाल कर नाक के ऊपर सेट करके नाक को दोबारा पुराने जैसा कर दिया गया। और करने वाले, महत्वपूर्ण बात क्या है, कुम्हार जाति के लोग हैं जिनको आज ओबीसी कहा जाता है। यह किसमें लिखा हुआ है? यह लंदन की द जेंटलमैन मैगजीन में दो अंग्रेज लिख रहे हैं, इसमें कोई भारतीय नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। मुंबई कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों ने सुश्रुत को इसका जनक माना है और जिसमें 1100 से अधिक डिजीजेस का वर्णन है, 180 चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सारा डिटेल है। मगर हमारे यहां कहा जाता है कि नहीं, उसमें सिर्फ धूर्त था, पाखंड था और कुछ नहीं है। ये जो समझाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए ये इसलिए समझने की जरूरत है कि भाषा के अंदर कितना ज्ञान और कितनी गहनता है। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, भाषा के अंदर जो साहित्यिक प्रभाव है, कहते ना कालिदास वॉज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे भाई, को तुलना है, शेक्सपियर इतने 100 साल के बाद हुआ, कालिदास से क्या तुलना? और तुलसीदास ने 140,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया है और जहां तक मैंने पढ़ा था शेक्सपियर ने शायद 18-19 हजार शब्दों का प्रयोग किया है। तुलसीदास से तुलना नहीं शेक्सपियर की, कालिदास से क्या तुलना करने लगे? जिस जिस प्रकार की सुंदर उपमाएं हैं, जिस जिस प्रकार की, मतलब आपको शायद ये पता हो कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, किसने कहा था? किसी इंडियन ने नहीं कहा था, विलियम जोन्स जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, उन्होंने कहा। उन्होंने सबसे पहला कौन सा ग्रंथ ट्रांसलेट किया और क्यों वो आकर्षित हुए? कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन हो रहा था, उसमें जो शकुंतला की विदाई का दृश्य दिखाया जा रहा था वो देख के कुछ वहां पे कुछ लोग थे जिनको टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, उन्होंने बताया तो उपमाएं सुनकर इतने प्रभावित हुए विलियम जोन्स, उनको लगा ये मुझे रियल में पढ़ना चाहिए ओरिजिनल भाषा में। तब उन्होंने बड़ा जुगाड़ करके संस्कृत सीखी, कि उनको कोई संस्कृत सिखाने को तैयार नहीं था, उसने कहा कि भाई ये मिलेच्छ है, इनको थोड़ी सिखाएंगे संस्कृत, पर उन्होंने सीखी। और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम और विद्याधर का हितोपदेश, जिसको यूरोप में फेबल्स ऑफ द बीदा पाई कहते हैं, क्योंकि विद्याधर वो बोल नहीं पाते थे, वही व्याकरण वर्तन ही का अंतर आ जाता था, तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया। और जब उसने ओरिजिनल पढ़ी तो विलियम जोन्स ने लिखा है कि उसको पढ़ने के बाद, खासकर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ सर्ग में शकुंतला के विदाई के दृश्य में जो उपमाएं दी गई, मैं परप्लेक्स्ड हो गया कि ह्यूमन माइंड का इमेजिनेशन इतना ऊपर हो सकता है। मगर वो हमारे यहां कभी उस चीज से एकदम काट दिया गया। मैंने एक, मतलब मुझे पूरी कविता नहीं याद है, कहा जाता है कि कालिदास अंतिम समय में जब वो श्रीलंका गए, एक जनश्रुति है, तो वो एक गड़िका के यहां चले गए थे, उसने कहा राजा ने वो दी है समस्या पूर्ति, तो उसमें कविता बनानी होती थी,
तो राजा ने समस्या पूर्ति ये दी थी, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, यानी कमल के ऊपर कमल उगता है ये सुना जाता पर दिखाई तो नहीं पड़ता। तो कालिदास ने कहा बस, वो पूरी कविता मुझे नहीं याद है, उन्होंने एंड यहां पर किया कि पहली लाइन थी कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, अंत में उन्होंने कहा बाले तव मुखाम्बुजम कस्मिद इंदीवर द्वयम। अंबुज कहते हैं कमल को, यदि यह नहीं दिखाई पड़ता तो तुम्हारे कमल रूपी मुख के ऊपर दो कमल रूपी नयन कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अब बताइए किस ढंग से उन्होंने उस पूरी समस्या पूर्ति को कर दिया। मतलब मैं आज की पीढ़ी के लिए कहता हूं, मतलब मैं तो कह रहा हूं भैया तुमको बहुत प्यार मोहब्बत और इसकी बात आती है तो तुमको क्या याद आता, लैला मजनू सीरी फरहाद सलीम अनारकली जोधा अकबर यही याद आते हैं। मेरे भाई अगर उसमें भी पढ़ना है पढ़ लो दुष्यंत शकुंतला की कहानी, स्वप्न वासव दत्ता, राजा उदयन और वासव दत्ता, चंद्रापीड की कथा और जिस जिस प्रकार की उसमें कथाएं हैं, अगर आप मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्र मालविका की प्रेम कथा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसको आप शेर व शायरी कह के बहुत प्रभावित हो जाते हैं ये उसके आगे कुछ नहीं लगेगी, इतनी गहरी उपमाएं उसके अंदर है।